हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द गेनर्स। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं, आज की मार्केट से बहुत ही ज़्यादा एसोसिएट करता है। आज की डेट में मार्केट में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि क्या ये सही समय है मार्केट में SIP म्यूचुअल फंड में इंट्रोड्यूस करने का, या हमें और मार्केट की करेक्शन का वेट करना चाहिए। आज हम इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ हम आपको ऐसे चार फंड्स बताएंगे जिनमें कि अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि आप SIP स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये चार फंड्स आप ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में कंसिडर करें। लॉन्ग टर्म में ये फंड्स बहुत ही अच्छी रिटर्न आपको दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। वुड इट बी अ राइट टू स्टार्ट SIP Now when the market is down। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़े, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है, अगर आपको हमारे दी हुई टिप्स पसंद आती हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के बारे में पता लगता रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है मार्केट के अंदर कि क्या ये सही समय है मार्केट में म्यूचुअल फंड की SIP को स्टार्ट करने का, और हमें मार्केट के फर्दर डाउन जाने की वेट करनी चाहिए। दोस्तों, जैसे कि मार्केट में आप देख सकते हैं, पिछले कुछ दिनों से लगातार मार्केट बढ़ रही है और अब मार्केट दोबारा से 34,000 पे पहुंच चुकी है। BSE की अगर हम बात करें तो बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या हमें अभी SIP स्टार्ट करनी चाहिए। एक और थॉट जो माइंड में आ रहा है वो ये है कि मार्केट अभी ठीक नहीं है, अभी कंपनीज के रिजल्ट आने हैं, क्वार्टर के रिजल्ट जैसे ही आएंगे हो सकता है मार्केट में दोबारा से करेक्शन आए। तो दोस्तों, इसी सवाल का जवाब देने के लिए आज हम यहाँ पे ये वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, ये स्ट्रेटजी बिल्कुल ही गलत है कि अगर मार्केट यहाँ पे है और आपको ये उम्मीद है कि मार्केट इससे और नीचे जाएगी और आप तब अपनी SIP लगाएंगे। दोस्तों, इसका मतलब तो ये हुआ कि जब मार्केट ऊपर जाएगी तो आप SIP को बंद भी कर देंगे, जो दोनों वे से इनकरेक्ट है। हमें अगर SIP की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें आज से ही शुरू करना चाहिए, ताकि अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाती है तो हमें उसका भी एवरेज आउट इफेक्ट मिले, और अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाने शुरू होती है तो हमने सस्ते दाम पे यूनिट्स खरीद लिए हैं। इसी करके अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं और वो भी SIP मोड में, तो आपको SIP मोड में इस टाइम पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी चाहिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं इसी टॉपिक में आगे। आज हम आपको ऐसे कुछ चार फंड्स बताएंगे जो कि अलग अलग कैटेगरीज के हैं। डिपेंडिंग अपॉन आपका रिस्क एपेटाइट, आप उन फंड्स को चूज कर सकते हैं और उनमें पैसा लगा सकते हैं। सबसे पहले फंड जो दोस्तों जिसके हम बात करने जा रहे हैं वो है एक्सिस ब्लू चिप फंड। जी हाँ दोस्तों, एक्सिस ब्लू चिप फंड एक लार्ज कैप फंड है। आज की डेट में अगर आप इसकी NAV को देखेंगे तो NAV 26.16 रुपीज़ के तकरीबन है। आप अगर इसके 5 साल की रिटर्न देखते हैं तो 5 साल की रिटर्न में, क्योंकि इस ये जो फेस है जिसमें इस फंड ने एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया है, इस साल में 11% तक नेगेटिव इफेक्ट आया है, तो उसी हिसाब से 5 साल की रिटर्न जो है वो 6% तक आ गई है। ऑल्दो इसकी रिटर्न 5 साल की आज की डेट में ये 6% दिखा रहा है, बट इसका कॉर्पस 12,716 करोड़ का है। दोस्तों, ये अपने कैटेगरी में बहुत ही लो बीटा रख रहा है। जहाँ पे हम बात करते हैं कैटेगरी एवरेज की बीटा की, तो वो 0.84 है, लेकिन वहीं इस फंड की जब हम बात करते हैं तो इसकी बीटा एवरेज 0.72 है। अब दोस्तों, यहाँ पे जानने वाली ये बात है कि लो बीटा हमें कैसे हेल्प करता है। दोस्तों, लो बीटा का मतलब होता है कि हाउ वॉलेटाइल फंड परफॉर्मेंस हैज बीन एज कंपेयर टू दी अदर फंड्स इन दी सेम कैटेगरी। सो इसका मतलब है कि जितना लो बीटा हमारे फंड का होगा, हम उतना ही उसकी परफॉर्मेंस को ठीक से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आने वाले टाइम में वो कितनी स्टैग्नेंट परफॉर्मेंस देगा, उस चीज़ के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस फंड में SIP लगाने का सोच रहे हैं तो अपना
टाइमलाइन 3 से 4 साल का रखिएगा। 3 से 4 साल में ये फंड आपको अच्छी रिटर्न देगा। अगेन एग्जिट लोड जो है वो 1% का ही है, पर वो 1 साल तक के लिए है, और इसकी बाकी की रिटर्न जो हैं अगर हम बात करें तो 3 साल की 5% है, 2 साल की नेगेटिव जा चुकी है, 1 साल की नेगेटिव 11% आ चुकी है। तो ये सही टाइम है SIP के थ्रू इस फंड में इन्वेस्ट करने का। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले कैटेगरी के फंड की तरफ। जो अगला फंड हमने लिया है वो कैटेगरी लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का है। इस फंड में जो हमने देखा है वो इस फंड का लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी हमने चेक किया है। दोस्तों इस फंड का नाम है मेरे एसेट एमर्जिंग ब्लू चिप फंड। अगर हम इस फंड को देखते हैं तो इस फंड का नैव तकरीबन 45 रुपये पे आ चुका है। इस फंड ने इस साल में नेगेटिव 16% तक का रिटर्न दिया है और अब रिकवरी अच्छी आ रही है। दोस्तों वहीं जब हम बात करते हैं इस फंड के फोलियो की, तो इस फंड का फोलियो 96% इंडियन स्टॉक में इन्वेस्ट है, जिसमें से 44% शेयर लार्ज कैप में है। दोस्तों इसमें 31% जब हम बात करते हैं तो मिड कैप में है और सिर्फ 9% स्मॉल कैप में है, जो कि एक बहुत ही स्टैग्नेंट सा पोर्टफोलियो दिखाई देता है। जब इस कैटेगरी के फंड की बात करते हैं तो इसका रिस्क एपेटाइट थोड़ा सा हाई है कंपेयर टू हमने जो एक्सिस ब्लू चिप फंड आपको बताया। वहीं पे एक और रेशियो से हमने इस फंड को चेक करने की कोशिश की कि ये मार्केट में कैसे स्टैंड कर रहा है। जिस रेशियो से हमने इस फंड को चेक करने की कोशिश की है दोस्तों वो है शार्प रेशियो। जहां हम शार्प रेशियो की बात करते हैं तो ये फंड नेगेटिव 0.03 पे है, कंपैरेटिव इसकी कैटेगरी एवरेज नेगेटिव 0.2 पे। दोस्तों यहां पे जो चीज हमारी समझने वाली है कि शार्प रेशियो हमें क्या प्रिडिक्ट करती है या उससे हमें क्या पता लगता है। दोस्तों शार्प रेशियो हमें इस फंड की रिस्क एपेटाइट में कितना रिटर्न ये जनरेट करता है उसको बताता है। मतलब कि हायर द वैल्यू फंड की स्टेबल रिटर्न है और फंड बेटर रिटर्न जनरेट कर पा रहा है इस मार्केट के अंदर। जैसे कि हमने आपको बताया इस फंड की शार्प रेशियो -0.03 है, जबकि कैटेगरी एवरेज की हम बात करते हैं तो कैटेगरी एवरेज -0.2% है। तो दोस्तों ये बहुत ही लो शार्प रेशो के साथ है, इसका मतलब इसकी रिटर्न्स कंपैरेटिवली हायर रहेंगी अपने पीयर से। दोस्तों अगर आप इस फंड को इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं SIP मोड में तो अपना टाइम होराइजन 4 से 5 साल लीजिएगा। हमने इसमें टाइम होराइजन को बढ़ाया इस करके है कि ये फंड मिड और लार्ज कैप कैटेगरी का है, तो जब मिड और लार्ज कैप कैटेगरी की बारी आती है तो हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म स्टे करना पसंद करते हैं बिकॉज एक रिटर्न स्टैग्नेंट आती हैं। वैसे ही इस फंड की अगर हम इंसेप्शन से लेके अब तक की रिटर्न की बात करें तो 16% का रिटर्न ये फंड दे रहा है, जो कि एक बहुत ही हैंडसम रिटर्न है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसी कैटेगरी में हमारे अगले म्यूचुअल फंड की। दोस्तों अगला म्यूचुअल फंड हमने और थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट बढ़ा दिया है, उसको मिड कैप कैटेगरी में चूज किया है हमारे उन इन्वेस्टर्स के लिए जो और रिस्क लेना पसंद करेंगे और जिनका एवरेज एपेटाइट उस फंड को होल्ड करने का और ज़्यादा बढ़ा है। दोस्तों जब हम बात करते हैं मिड कैप कैटेगरी की, तो मिड कैप कैटेगरी में हमने जो फंड आपके लिए चूज किया है वो है DSP का मिड कैप फंड। दोस्तों अगर आप इस फंड को ट्रैक करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि मई के महीने में इस फंड ने बहुत तेजी से रिकवर किया है, रिटर्न्स को पॉजिटिव किया है, नैव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर हम इसके कॉर्पस की बात करते हैं तो इसका कॉर्पस कुछ 6,487 करोड़ का है। फंड ने एक साल में नेगेटिव 9% का रिटर्न दिया है। दोस्तों यहाँ ये बात देखने वाली है कि ऑल्दो ये फंड मिड कैप कैटेगरी का है, स्टिल इसका जो रिटर्न है वो नेगेटिव 9% तक ही गया है 1 ईयर का। इसीलिए हमने ये स्टॉक आपके लिए चूज किया है। जब हम इस स्टॉक में इस पर्टिकुलर फंड के स्टॉक्स की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें 91% तक जो पैसा है वो इंडियन स्टॉक्स में ही लगा है, जिसमें से सिर्फ 16% ही पैसा लार्ज कैप में है। 58% मनी जो है वो मिड कैप में है और मात्र 12% स्मॉल कैप में है। दोस्तों जब हम बात करें स्मॉल कैप स्टॉक्स की, तो वो यहाँ पे इस फंड को एक एडिशनल पुश देते हैं अपनी रिटर्न को मेंटेन करने के लिए, और जो लार्ज कैप फंड है वो यहाँ पे इसको एक स्टेबिलिटी बनाए रहने के लिए हेल्प करते हैं।
दोस्तों, क्योंकि ये हमारा मिड कैप कैटेगरी का फंड है, हमने इस फंड का, अगर आप इस फंड में पैसा लगाने का डिसाइड करते हैं तो इसमें 2 से 3 साल का हमने स्कोप डिसाइड किया है। वहीं पे दोस्तों इसी फंड को और चेक करने के लिए कि इसकी रिटर्न कितनी स्टेबल है, कितना एक्सेस रिटर्न ये हमें दे सकता है कंपैरेटिव टू इट्स पीयर्स, हमने इसमें जो रेशो चेक करने की कोशिश की है वो है टर्नओवर रेशो। दोस्तों इस रेशो में हमने अगर जब इस फंड को डाला तो हमें ये पता लगा कि फंड की रेशो इसमें -0.04 है, जबकि कैटेगरी की एवरेज -0.06 है। दोस्तों अब इस रिटर्न से हमें क्या पता लगा? इस रिटर्न से हमें ये पता लगता है, इस रेशो से हमें ये पता लगता है कि फंड कितना एक्सेसिव रिटर्न हमें दे सकता है एक पर्टिकुलर यूनिट पे रिस्क लेने की अपने एपेटाइट से, यानी कि एक पर्टिकुलर यूनिट पे वो कितना ज़्यादा रिस्क लेता है जिस पे वो रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो यानी कि अगर हमारे फंड की इसमें वैल्यू हायर आ रही है, हमारी रेशो हायर है, तो मतलब कि हमारा फंड एक बेटर रिस्क रिटर्न जनरेट कर रहा है, यानी कि हमारे फंड ने कम रिस्क लेते हुए हायर रिटर्न को जनरेट किया है, और वो आप इसकी नैव चेंजेस में भी देख सकते हैं अगर आप इस फंड को चेक कर रहे हैं। हमारी ये सजेशन है कि अगर आप SIP लगाने की सोच रहे हैं तो इस फंड को जरूर अपने पोर्टफोलियो में कंसीडर करें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे इस टॉपिक के आखिरी फंड की तरफ। दोस्तों ऑल्दो हमने यहाँ पे हमारे रिस्क एपेटाइट को और फर्दर इंक्रीज किया है और अब जो कैटेगरी हमने चूज़ की है वो है स्मॉल कैप कैटेगरी। जी हाँ दोस्तों, स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर आप SIP लगाने की सोच रहे हैं तो आज की डेट में आपको SBI स्मॉल कैप फंड को ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। ये फंड सिंस इंसेप्शन 14% की रिटर्न दे रहा है, लेकिन लास्ट 1 ईयर में इसकी रिटर्न -16% आई है। दोस्तों यही सही टाइम है स्मॉल कैप कैटेगरी में आने का। अगर आप इस फंड में आ रहे हैं तो हम इसमें आपको एक्सपेक्टेड टाइमलाइन 5 साल एंड अबव का कंसिडर कर रहे हैं इस फंड का। जहां हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो इस फंड में 91% स्टॉक जो है वो इंडियन है, वहीं पे 8.52% मिड कैप है, 76.22% स्मॉल कैप स्टॉक है। इसके अंदर स्मॉल कैप का रेशो बहुत ही ज़्यादा है, अपने नाम के हिसाब से ये एक्चुअल में स्मॉल कैप फंड है, लेकिन अगर हम इसके पोर्टफोलियो को फर्दर चेक करते हैं तो स्मॉल कैप में भी बहुत ही सिक्योर्ड पोर्टफोलियो है और बहुत ही एग्रेसिव पोर्टफोलियो है। सेम टाइम पे हमने इसकी रिटर्न्स को, इस फंड की स्टेबिलिटी को अगेन एक और रेशो से चेक करने की कोशिश की है, जिस रेशो को हम कहते हैं अल्फा। जब हमने इस फंड का अल्फा चेक किया तो फंड का अल्फा जनरेट हो रहा है 7.13, जबकि कैटेगरी एवरेज -2.51 है। दोस्तों इसका मतलब ये है ये फंड अपने बेंचमार्क से बेटर रिटर्न कैसे जनरेट कर पा रहा है। तो जितना बड़ा अल्फा होगा उतना ही बेटर रिटर्न हमारा ये फंड जनरेट कर पा रहा है। दोस्तों यही थे हमारे आज के कुछ टिप्स आपके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को अगेन रिवाइव करने के लिए, या अगर आप आज मार्केट में नए इन्वेस्टर हैं और आप कुछ फंड्स स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए ये थे हमारे कुछ टिप्स दोस्तों। लेकिन यहाँ पे हम आपको फिर दोबारा कहना चाहेंगे, हमने ये पोर्टफोलियो अपने कस्टमर्स के रिस्क प्रोफाइल को कंसिडर करते हुए ऑप्ट किया है। अगर आप इन फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बारी कंसल्ट जरूर करें, अपना रिस्क प्रोफाइल भरें और उसके बाद ही अपने फंड्स को चूज़ करें। और स्टिल अगर आपको इसमें दिक्कत आती है तो आप ये फंड्स हमारी वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं, नहीं तो आप हमें कॉल करें, हम आपको आपका प्रोफाइलर डिसाइड करने में हेल्प करेंगे और उसके बाद आपको एक डिसेंट पोर्टफोलियो बना करके उसमें इन्वेस्ट कराने में भी मदद करेंगे। थैंक यू।